उत्तर प्रदेश के चंदौली में क्षय रोग दिवस दिनांक 24 मार्च 2022 को जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के क्षय रोगियों को गोद लेने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि गोद लिए हुए टीबी मरीजों की समय समय पर हालचाल लेते रहें और उनकी मॉनिटरिंग करते रहें व यथासंभव न्यूट्रिशन भी उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्यवाही करते हुए हम जनपद को टीबी रोग से मुक्त कराएंगे। जनपद में वर्तमान में इलाज पर रखे गए कुल 712 क्षय रोगियों को विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को गोद देने की कार्यवाही की जा रही है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा 10 क्षय रोगियों को गोद लिया गया एवं उन्हें न्यूट्रिशन पैकेट उपलब्ध कराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक टीबी को भारत से उन्मूलन कराना है। इस लक्ष्य के तहत आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जो गोद लेने का लक्ष्य रखा गया था 0 से 18 वर्ष के बच्चों का, उसमें 700 का लक्ष्य था। उसके लिए जनपद चंदौली ने 712 बच्चों का अधिकारियों के द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा और जो हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा गोद लिया गया है। वो बच्चों की जो गोद लिए बच्चे हैं उनकी देखभाल तो करेगी, साथ ही साथ इस विषय में चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो टीम बनाकर टीबी के रोगियों मरीजों को जो है चिन्हित कराएंगे, उनके ट्रीटमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और जो उनको उपचार एवं निक्षय योजना के अंतर्गत धनराशि दी जाती है उसको सूचित कराएंगे। टीबी को हराने के लिए जो जागरूकता जरूर उत्पन्न की जाने की जरूरत है और इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे जिससे कि लोग टीबी के विषय में जागरूक रहें।